नमस्कार, क्रिकेट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरदीप श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज की उन बड़ी खबरों पर जो क्रिकेट जगत की सुर्खियों में रही। धोनी की बराबरी करेंगे विराट कोहली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल से दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। वनडे और टी20 सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद अब विराट कोहली की नजर इस टेस्ट सीरीज पर होगी। विराट कोहली की अगुवाई में अगर भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को हरा देती है तो बतौर कप्तान विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर लेंगे। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 60 टेस्ट मैचों में 27 में जीत दर्ज की है, जबकि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अभी तक 46 मैचों में 26 में जीत दर्ज की है। विराट की कप्तानी में श्रीसंत ने खेलने की जताई इच्छा। BCCI के लोकपाल ने श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध को हटाते हुए उन पर 7 साल का बैन लगाया है, यानी श्रीसंत अब पिछले साल अगस्त में क्रिकेट के मैदान में वापसी कर सकेंगे। लोकपाल के इस फैसले पर श्रीसंत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब वो क्रिकेट में अपना करियर फिर से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में खेलने की भी इच्छा जाहिर की है। टेस्ट सीरीज से पहले कैरेबियाई बल्लेबाजों को बुमराह ने दी चेतावनी। कल से भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी होंगे। मैच से पहले ही बुमराह ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चेतावनी दे दी है। बुमराह ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट की ड्रेस पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में लाल बॉल है। बुमराह ने फोटो के कैप्शन में लिखा है कि एंटीगुआ टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ। स्मिथ के बाद अब रॉय हुए चोटिल। एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जेफ्रा आर्चर की तेज बाउंसर गेंद से स्मिथ चोटिल हो गए थे और अब खबर है कि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोसन राय भी बाउंसर गेंद लगने से चोटिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन में रॉय को एक बाउंसर गेंद उनके गर्दन पर लगी जिससे वो घायल हो गए हैं। इंग्लैंड का मेडिकल स्टाफ उनकी इस चोट पर नजर बनाए हुए है। मैग्रा ने कहा कि स्मिथ का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए तगड़ा झटका। दूसरे टेस्ट में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चोटिल होने के बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी दूसरी पारी में नहीं कर सके थे। तीसरे टेस्ट मैच से भी वो बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्रा ने कहा है कि स्मिथ का बाहर होना ऑस्ट्रेलियाई की टीम के लिए तगड़ा झटका है। मैग्रा का कहना है कि स्मिथ शानदार फॉर्म में है और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अकेले दम पर रन बना रहे थे, ऐसे में उनका ना होना टीम के लिए तगड़ा झटका है।